बॉलर गनी है ना जी हाँ वो बॉलर गनी है मैंने उसके बारे में सुना है वो काफी अच्छा ये बैटिंग कौन उजैफा कर रहे हैं हां उजैफा बैटिंग कर रहे हैं वो काफी अच्छा खेलते हैं यार आप वो अम्मार के बारे में क्या बोलते हो हमने उसके साथ बहुत गलत किया भी हमें क्या करना चाहिए बात मान जाए और वापस स्कूल ज्वाइन करे हम कोशिश करेंगे उसे बोलेंगे बिल्कुल ठीक है चलो 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 हमारे यहीं पर है हमारे एक मिनट देखो ठीक है जल्दी से देखो जी आ रहा यार हमने आपके साथ बहुत गलत किया है हम माजरा चाहते हैं जैसे आपको पता होगा कि नहीं यार बस कोई की बात नहीं यार बस हमें अपने मतलब गलती का पछतावा हुआ है हमने आपसे बहुत गलत किया है जैसे माफ करें आप अभी अभी हमें एहसास हो गया है चलो कोई बात नहीं वैसे दोस्त से हम हो जाते हैं बस ठीक है अभी आप कल से स्कूल आओगे ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह स्कूल में आ जाओ पक्का आओगे ना सुबह मैं आपके घर आऊंगा आपको उठाऊंगा आप स्कूल हम सुबह हम तीनों आएंगे सुबह आपको उठा के ले जाएंगे ठीक है ठीक है आप नहीं जाना हमारे साथ जाना हम आपको उठाएंगे ठीक है ठीक है मैं आप लोगों के लिए वेट करूंगा चलो आप लोग आइए ठीक है ठीक है अल्लाह ठीक है पहले ऐसे हम लोग किस नाम से पुकारे थे आज के बाद से कोई बैटरी नहीं कहेगा आज के बाद हम लोग अपने किसी भाई को भी ऐसे तंग नहीं करेंगे क्योंकि वो डिप्रेशन में होगा जैसे हम लोगों ने ऐसे तंग किया कि स्कूल छोड़ के चला गया बेसिकली हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल में जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो अपने दोस्तों को गलत नाम से पुकारते हैं जिसकी वजह से वो बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते हैं या वो ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं तो हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि बच्चे ऐसे नहीं करें थैंक यू हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको एक अच्छा सा मैसेज मिल सके मैसेज ये था कि जैसे आपने देखा कि हमने अपने दोस्तों को गलत नाम से पुकारा जैसे हमने उसे बैटरी का तो स्कूल छोड़कर चला गया और डिप्रेशन में आ गया तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए अपने दोस्तों को गलत नाम से नहीं पुकारना चाहिए अगर वो डिप्रेशन में आएंगे तो वो गलत फैसले लेंगे शुक्रिया द मेन पर्पस टू मेक दिस वीडियो वाज दैट वी डू नॉट हैव टू बुल समवन इफ वी बुल समवन इट हर्ट्स द नेक्स्ट पर्सन सो यू नेवर लुक गुड ट्राइंग टू मेक समवन एल्स लुक बैड थैंक यू I am the main character of this video. The message we are conveying in this video is that if you see in your surrounding people bullied their friends and their relatives. So in this video that people you see that
my friends are bullying me and I left school and I take depression. It's not a good thing that... Assalamu alaikum dear viewers, it's me Imran Umar. I shot and directed the video. इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि हम इस वीडियो के ज़रिए ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं उनको ये मैसेज दे सकें कि हम चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, किसी का मजाक ना उड़ाएं, चाहे वो वर्बल हो या फिज़िकल हो, और ना ही किसी को बुली करें. एंड इन सिंपल वर्ड्स, वी शुड नॉट बुली एनीवन, क्योंकि बुलिंग सिर्फ किसी बच्चे को डिप्रेशन में मुब्तला नहीं करता बल्कि उसे बहुत ज़्यादा परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. अगर एक बच्चे को आप जो है उसके रंग पे, उसके कलर पे, उसके मज़हब पे, उसके कौम पे उसका मजाक उड़ाएं तो वो बच्चा जाहिर सी बात है डिप्रेशन का शिकार होता है. तो हमें चाहिए कि वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरी गुजारिश है कि आप ना सिर्फ ख़ुद इस चीज़ को देखें बल्कि दूसरे लोगों को भी ये पैगाम दें कि बुलिंग इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ एक्सेप्टेबल. तो हम किसी को बुली ना करें, किसी का मजाक ना उड़ाएं. व्हेन अ रिलीजन डज नॉट डिस्टिंग्विश एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कल्चर, सो हु आर वी टू डिस्टिंग्विश पीपल और एंड मॉक देम और बुली देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट एंड क्रीड. तो हम इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को ना सिर्फ ख़ुद इम्प्लीमेंट करें बल्कि इस अवेयरनेस को दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि किसी भी बच्चे का मजाक ना उड़ाया जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.